जंगल में अभी बारिश शुरू है। लाड़ू चिड़िया और उसके तीनों बच्चे बारिश का मजा ले रहे हैं। मम्मी, ये बारिश कितनी अच्छी होती है ना? नहीं नहीं, ये बारिश जरा भी अच्छी नहीं है। मुझे तो ये थोड़ी भी पसंद नहीं है। हाँ भैया, मुझे भी ये बारिश जरा भी पसंद नहीं है। अरे टीलू, ऐसी बात नहीं है, बारिश बहुत अच्छी होती है। अगर बारिश ही नहीं होगी तो हमें पीने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? पेड़ों को पानी कहाँ से मिलेगा? नहीं माँ, बारिश की वजह से हर जगह पर किचकिच होती है। ये कीचड़ की वजह से खाना खाने का भी मन नहीं करता। हाँ भैया, सही कहा तुमने। अरे अरे, इस बारिश की वजह से स्कूल से 2 दिन की छुट्टी भी मिली है तुम तीनों को। अब बोलो, बारिश अच्छी है या बुरी? हाँ हाँ माँ, बारिश अच्छी होती है। अब आए ना लाइन पर मेरे शातिर बच्चे। ऐसा कहते ही बच्चे अपनी माँ के पास आ गए। लेकिन फिर भी बच्चों, स्कूल से डंडी मारना अच्छी बात नहीं होती। स्कूल जाओगे तो पढ़ लिख कर कुछ बन पाओगे? हाँ माँ, हम रोज स्कूल तो जाना चाहते हैं, पर बारिश में जाते जाते पूरे भीग जाते हैं। हमारे सारे दोस्तों के पास छाता है माँ। हाँ बच्चों, मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसा कहकर लाडो ने तीनों बच्चों पर कंबल ओढ़ दिया। ऐसा करके लाडो अपने तीनों बच्चों का ध्यान भटका रही थी, परंतु उसे भी पता था कि उसको अपने बच्चों के बारे में कुछ ना कुछ उपाय जरूर करना होगा। बच्चों, तुम्हारे पापा जरूर कुछ ना कुछ उपाय करेंगे, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और तुम्हारे मम्मी पापा का नाम रोशन करना। लाडू के बच्चे होशियार थे और समझदार भी। उन्हें अपने माँ बाप की सिचुएशन अच्छी तरह से पता थी। तभी लाडू चिड़िया का पति बल्लू चिड़िया घर पर आ जाता है। उसे घर आते आते बहुत देर हो चुकी थी। आज भी उसके पति के हाथ खाली थे। लाड़ो ने उत्सुकता पूर्वक अपने पति की ओर देखा। उनकी ओर देखकर उसे सब समझ आ गया था। उसने जल्दी से कहा, अजी आप आ गए, हम आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। अच्छा हुआ, अगर आपको आने में थोड़ी और देर हो जाती तो बच्चे बिना खाना खाए ही सो जाते। हाँ लाड़ो, अनाज की खोज में मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। बीच रास्ते में मुझे शिकारी पंछी दिख गए, इसीलिए मैं रास्ते में ही रुक गया था। हाँ, सही समय पर रुककर आपने बहुत अच्छा किया। बच्चों, चलो चलो इधर आओ। जब बच्चों ने अपने पिता की आवाज सुनी तो वो दौड़कर उनके पास चले गए। पापा पापा, आप आ गए। तीनों अपने पापा के गले लग गए। आखिर वो अपने पापा के लाडले जो थे। तभी सोनू ने कहा, पापा कितनी देर, हम आपका बहुत इंतजार कर रहे थे। हाँ बच्चों, अब मैं आ गया हूँ ना, ये लो ये अनाज खा लो। बच्चे अनाज पर टूट पड़े। पापा मम्मी, अब दोनों भी खाना खा लो। बल्लू सिर्फ अपने तीन बच्चों का ही खाना जुटा पाया था, इसीलिए उसने अपने बच्चों से कहा, हाँ सोनू, हम बाद में खा लेंगे, पहले तुम तीनों खा लो। टीलू का खाना होते ही वो अपने पापा से पूछने लगा, पापा क्या आप छतरी लेकर आए? हाँ टीलू, मैं तुम तीनों को छतरी लाकर दूंगा। चलो, अब बहुत देर हो चुकी है, अब सो जाओ।
ऐसा कहकर बल्लू ने अपने बच्चों को सुला दिया। माँ हमें कहानी सुनाओ ना। नहीं गोलू, कल ही तो मैंने आपको कहानी सुनाई थी। नहीं माँ, जब तक आप कहानी नहीं सुनाती तब तक हमें नींद नहीं आती। ठीक है, मैं लोरी सुनाती हूँ। लाडो ने तीनों बच्चों को लोरी सुनाई। लोरी सुनते सुनते ही बच्चे सो गए। लाडो ने इधर उधर देखा तो बल्लू दरवाजे पर जाकर बैठ गया था। लाडो चिड़िया भी उसके पास जाकर बैठ गई। वो दोनों एक ही विचार कर रहे थे। अजी आप चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ उपाय जरूर करेंगे। नहीं लाडो, ऐसा कब तक चलेगा? जब से बारिश शुरू हुई है तब से बच्चे मेरे पीछे पड़े हैं, पर मेरे बच्चों की मैं इतनी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहा। वो दोनों बारिश को निहारने लगे। दूसरे दिन सुबह। चलो बच्चों, जल्दी से उठ जाओ, आज तुम्हें स्कूल जाना है। नहीं मम्मी, बाहर तो बारिश है, हमें सोने दो ना। ऐसा कहकर सोनू ने वापस कंबल ओढ़ लिया। लाड़ो कंबल ओढ़ते हुए बोली, नहीं सोनू आज नहीं, बाहर चलकर देखो, बारिश थम गई है। अगर तुम ही ऐसा करोगे तो तुम्हारे छोटे भाई कैसे स्कूल जाएंगे। बच्चे जैसे तैसे उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए। लाड़ो उनको स्कूल छोड़ने के लिए घोंसले से बाहर आ गए। ध्यान से जाना बच्चों। हाँ मम्मी, तुम हमारी चिंता मत करो। बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे थे तभी आधे रास्ते में आते ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। अरे नहीं, ये बारिश तो फिर से शुरू हो गई। टीलू गोलू जल्दी से इधर आओ, यहाँ बारिश नहीं है। तीनों भाई मिलकर एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गए। उनके बाकी सारे दोस्त स्कूल पहुंच चुके थे क्योंकि उन सबके पास अपने अपने छाते थे। कोई बात नहीं भैया, हम बारिश रुकने के बाद स्कूल चले जाएंगे। हाँ टीलू, तुम्हारी बात सही है, अगर हम देर से स्कूल गए तो मीनू टीचर हमें बहुत डांटेगी। थोड़ी देर बाद बारिश थोड़ी कम हो गई। वो तीनों स्कूल की तरफ चल पड़े। जब वो स्कूल पहुंच गए तो वो पूरे भीग चुके थे। मीनू मौसी स्कूल की टीचर थी, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। आ गए तीनों, चलो बच्चों तालियां बजाकर इन तीनों का स्वागत करो। सारे बच्चे उनकी तरफ देखकर हंस रहे थे। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, बीक कर स्कूल में मत आया करो, पर तुम तीनों हो कि मेरी बात ही नहीं सुनते। पर टीचर, परवर कुछ नहीं, अब चुपचाप से बाहर रुक जाओ और वहीं से जो मैं पढ़ाती हूँ वो ध्यान से सुनो। सोनू टीलू और गोलू क्लासरूम के बाहर से ही सब कुछ देखकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। जब स्कूल छूट गया तो बाकी सारे पंछी अपना अपना छाता खोलकर घर की तरफ निकल पड़े, परंतु लाडो चिड़िया के बच्चे वहीं पर रुक गए। इधर लाडो चिड़िया अपने बच्चों का बहुत इंतजार कर रही थी। अजी बाकी सारे बच्चे तो आ गए हैं, पर हमारे बच्चों का अभी तक पता नहीं। स्कूल छूटकर भी बहुत देर हो चुकी है, कहीं किसी शिकारी पंछी ने तो। दोस्तों, लाडो के बच्चे कहीं पर फंस गए हैं या उनको किसी शिकारी पंछियों ने पकड़ लिया है? क्या उन तीनों को छाता मिल पाएगा? देखते हैं अगले भाग में। तब तक आप हमसे ऐसे ही जुड़ते रहिए।